गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो आज का जो टॉपिक है आपका दैट इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो आपकी ईएम रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ किसकी बनी है, दैट इज पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड ईच पैकेट इज नोन एज फोटोन और क्वांटा। And the energy of each photon is given by H is equal to H mu, where H is known as Planck's constant. H is constant and it is known as Planck's constant, and mu is the frequency of incident light. Suppose a photon which is incident on the metal surface having energy E is equal to H mu, एक फोटोन है जिसके पास एनर्जी E is equal to H mu है, वो इंसिडेंट कर रहा है किसी मेटल की सरफेस पे। दिस एनर्जी डज टू थिंग्स, ये एनर्जी जो है दो काम करेगी। एक तो आपके इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के इंटीरियर से लेके आएगी ऑन इट सरफेस, एंड दिस एनर्जी इज स्पेंट इन टू पार्ट्स, दो काम करेगी। पहला, कुछ हिस्सा एनर्जी का स्पेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स को इंटीरियर ऑफ द मेटल से सरफेस पे लाने के लिए, विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट, वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट। एच इज अगेंस्ट द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड म्यू नॉट इज नोन एज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, एक मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की जिसके बाद आपका इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, बिलो विच अगर इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से नीचे चले जाए हम, सो देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है जिसके बाद आपका इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज स्पेंट इन इम्पार्टिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनको काइनेटिक एनर्जी देने में इस एनर्जी का, फोटोन की एनर्जी का दूसरा पार्ट खर्च होगा। सो योर एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन किसके बराबर होगी बच्चे, दैट इज वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी, दो हिस्सों में स्पेंट हुई। What is E? E is equal to H mu. What is W naught? That is H mu naught. And kinetic energy we know half of mv square. So यहां से half of mv square निकालेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, That is H mu. Transpose करेंगे to the right hand side minus H mu naught. यहां से H को common ले लो, half of mv square will be equal to H common mu minus mu naught. This equation is known as Einstein photoelectric equation. So next topic हम next lecture में discuss करेंगे, आज के लिए इतना ही, thank you very much.